गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 15 सितंबर वर्ष 2021। आठवीं कक्षा में हम लोग आठवां चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार, और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 8.3। इसमें पहला सवाल देखिए क्या दिया है। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप 3x-2° तथा 50-x° हो तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों के माप ज्ञात करिए। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के बारे में क्या जानते हो आप? सर्वांगसम होते हैं, यस, उनके माप बराबर होते हैं। तो और सर समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। बराबर, लेकिन यहाँ बात हो रही है सम्मुख कोणों की, तो हम लोग उसके सम्मुख कोणों की ही चर्चा करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप कितना दिया है? 3x-2° तथा 50-x°। राधिका इधर आजा, बंद कर दो। हाँ, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो अगला स्टेप लिखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण 3x-2 और ये 50-x, ये दोनों सम्मुख कोण के माप हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। अब x और x एक तरफ लेना पड़ेगा, 3x के साथ ही माइनस x इधर लेके आएंगे तो प्लस x हो जाएगा। ये 50 है, माइनस 2 इधर लेके आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 3x प्लस x हो गया 4x, 50 प्लस 2 हो गया 52। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 4 से दोनों तरफ भाग देना होगा। तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, x आएगा, और 52 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, x 13 आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ x मिला है, कोणों के माप नहीं मिले हैं। एक माप कितना दिया है? 3x-2 दिया है। तो 3x कितना है? 13। तो x की जगह पे आ गया 13। तो 13 3 39-2 कितना आ गया? 37°। फिर दूसरा कोण का माप क्या है? 50-x है, तो दूसरा है 50-x, तो 50-x 13 है, तो x के जगह पे 13 आ गया। तो देखो, 0 से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3। तो देखिए दोनों माप आ गए ना, बराबर आ गए दोनों, 37 37। तो इसलिए क्या पूछा था, तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण के माप ज्ञात करने हैं। अच्छा, ये सिर्फ सम्मुख कोण मिला है अपने को, तो हमको दूसरे कोण भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो जैसा कि अभी शीतल थोड़ी देर पहले कह रही थी कि 37° का जो संलग्न कोण है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, उनका योगफल 180° होता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना जो 37° है उसका संलग्न कोण y मान लेते हैं, माना 37° का संलग्न कोण y है, तो इसलिए क्या होगा, 37 + y मिलके 180° हो जाएगा। अब हमको y चाहिए तो 37 दोनों तरफ माइनस कर दो,
तो 180 इधर, तो 37 माइनस 0 हो जाएगा, 37 माइनस करेंगे तो 0, इधर 180 माइनस 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10, ये 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये 7 में से 3 गया 4, 143 डिग्री। तो प्रत्येक कोण हमको मिल गए, इसमें दो सम्मुख कोणों की एक जोड़ी 37 अंश है और सम्मुख कोणों की दूसरी जोड़ी 143 डिग्री है, इस तरह से चारों कोण मिल गए। इसलिए समांतर चतुर्भुज में न्यून कोणों की जोड़ी 37 डिग्री है तथा अधिक कोण की जोड़ी, अधिक कोण की जोड़ी 143 डिग्री है। तो सारे कोण हमें यहाँ पे मिल गए हैं। इस तरह से करना है, किसी को नहीं समझ में आया है तो बोल दो बेटा, तो मैं वापस समझाऊं, और समझ में आ गया हो सबको तो आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है देख लेते हैं। दूसरे सवाल में एक आकृति दी गई है, आकृति किस तरह से, कौन से चतुर्भुज की तरह दिख रही है? सर, समांतर चतुर्भुज। यस, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, समांतर चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। और यहाँ लिखा भी है कि समांतर चतुर्भुज की आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज है, प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न है कि यदि वाई जेड की लंबाई, एल मतलब लंबाई लेंथ, डब्ल्यू जेड की लंबाई 4.5 हो तो एक्स वाई कितनी होगी। डब्ल्यू जेड कहाँ, डब्ल्यू जेड 4.5 है और हमें एक्स ऊपर है सर, डब्ल्यू जेड ऊपर है। क्या बोल रहे हो? क्या बोले बेटा आप? कुछ नहीं सर। हाँ, डब्ल्यू जेड, ये रहा डब्ल्यू जेड। ओके, हाँ, डब्ल्यू जेड 4.5 है तो एक्स वाई ज्ञात करना है। हाँ सर। तो शीतल के अलावा कोई जवाब देगा? मैं बताऊं? मैं मतलब श्रुति। हाँ श्रुति, बताओ। सर 4.5 सेमी होगा। एक्स वाई भी 4.5 सेमी होगा, कैसे पता चला बेटा? सम्मुख भुजा सर्वांश होती है। शाबाश, यही सुनना चाहता था मैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, समांतर तो होती ही हैं, सर्वांगसम भी होती हैं। इसलिए एक्स वाई की लंबाई डब्ल्यू जेड की लंबाई के बराबर होगी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सीधा, लेंथ एक्स वाई किसके बराबर होगा, लेंथ डब्ल्यू जेड के, और डब्ल्यू जेड किसके बराबर है, 4.5 के बराबर है। तो इसलिए लेंथ एक्स वाई ये भी 4.5 सेमी होगा। कारण क्या लिखने का, कारण लिखने का क्या लिखें, कारण बताओ। बताओ। हाँ बताओ। सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो इस तरह से दूसरे का पहला हमें मिल गया। अब देखते हैं दूसरे का दूसरा क्या सवाल है। दूसरे का दूसरा क्या पूछा गया है, यहाँ वाई जेड 8.2 है। कहाँ है वाई जेड, वाई जेड, ये वाई जेड 8.2 है तो एक्स डब्ल्यू की लंबाई कितनी होगी।
हाँ बताओ शीतल। सर 8.2 सेमी। 8.2 सेमी, कारण? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगतम होती है। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो ये भी उसके जैसा ही हो गया। हमें क्या पूछा है, लेंथ एक्स डब्लू पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ एक्स डब्लू किसके बराबर होगा, लेंथ वाई जेड के बराबर होगा। लेंथ वाई जेड के बराबर होगा, और वाई जेड की लंबाई कितनी दी है, 8.2 सेमी दी है। तो ये 8.2 सेमी, तो इसलिए ये दोनों बराबर है, और वाई जेड 8.2 है, इसलिए एक्स डब्लू की लंबाई, इसलिए लेंथ ऑफ एक्स डब्लू भी 8.2 सेमी होगा। इसका भी वही कारण होगा जो हमने ऊपर लिखा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। अब दूसरे के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल क्या कहता है। दूसरे का तीसरा सवाल ये कह रहा है कि OX की लंबाई 2.5 सेमी हो तो OZ की लंबाई कितनी होगी। OX कहाँ, OX यहाँ पर 2.5 है, OZ की लंबाई ज्ञात करनी होगी। शीतल और श्रुति के अलावा और कोई है इस क्लास में, या फिर H1 H2 में OZ की ज्ञात करनी है, OX दिया है। बताओ क्या नाम है बेटा? पवन का। हाँ पवन बताओ बेटा। सर उतना ही होगा, कारण? 2.5। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब पवन, मुझे इसका कारण बता दो बस। सर क्योंकि सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर भागों में विभाजित करती है। बेटा ये सम्मुख भुजाएं नहीं है, OX और OZ। इसका ये विकर्ण के दो हिस्से हैं, विकर्ण के दो टुकड़े हैं, ये OX और OZ विकर्ण के हिस्से हैं, इसलिए आपको विकर्ण के बारे में बोलना होगा। सर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एकदम जोरदार, एकदम जबरदस्त, सही, बिल्कुल सही। तो तीसरा देखो कैसे लिखेंगे, हमें लेंथ OZ ज्ञात करना है, तो लेंथ ओ जेड किसके बराबर होगा, ओ जेड ओ एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ओ एक्स, लेकिन ओ एक्स किसके बराबर दिया है, 2.5 के, तो यहाँ आ जाएगा 2.5। तो ओ जेड ओ एक्स के बराबर होगा, लेकिन ओ एक्स 2.5 है, इसलिए लेंथ ओ जेड भी 2.5 सेमी होगा। कारण क्या लिखना है, जैसा कि अभी पवन ने बताया हमें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो जैसा अभी पवन ने बताया वैसा हमें कारण लिखना होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप दूसरे का चौथा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरे का चौथा क्या है, डब्ल्यू ओ दिया है, डब्ल्यू वाई ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू ओ दिया है, डब्ल्यू वाई ज्ञात करना है। तो शीतल श्रुति और पवन के अलावा है कोई जो बता सकता है कि डब्ल्यू वाई कितना होगा। कितने लोग जुड़े हैं भाई इसमें, जरा ये भी देख लें। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, ग्यारह, सिर्फ 11 लोग जुड़े हैं।
और मुझे लगता है सबके सब एट एच वन के ही हैं, एट एच टू का कोई भी नहीं है क्या? एट एच टू के कौन कौन है? मीरा राजपूत और सिर्फ एक लड़की जुड़ी है एट एच टू की। आपके क्लास टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी मुझे, एट एच टू के क्लास टीचर सुनीता टीचर से, उनके क्लास के बच्चे आ नहीं रहे हैं। ये हर लेक्चर में यही हालत है कि सिर्फ मेरे ही लेक्चर